हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन। पहले हम लोग देखेंगे इसके आर्टिकल्स के बारे में, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं, हालांकि ऑलरेडी मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है और साथ में फेसबुक चैनल पे भी डाल दिया है, तो जो लोग भी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यह हमारे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, ज्वाइन करके वहां पर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फटाफट करंट अफेयर्स पे। कौन कौन से आर्टिकल्स आए हुए हैं हम लोग जो कवर करेंगे, वो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को कवर करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को कवर करेंगे, पीआईबी के आर्टिकल को कवर करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू के आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। पहली करंट अफेयर्स है एक बॉडी के बारे में जिसका नाम है सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इस बॉडी के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है वो फरवरी 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था। पहले इसको रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, बाद में इसको ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कर दिया गया था 1967 में। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर में ये जो बॉडी है वो किसके अंडर में है, आप बता देंगे द बॉडी इज अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एक ऐसी संस्था है जो सोसाइटी एक्ट में बेसिकली रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये आपको बेसिकली बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। अगर इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर बेसिकली इसका कोच्चि केरला में पड़ जा रहा होता है। ऑब्जेक्टिव के बारे में इसके बात करें तो देखिए, मरीन फिशरी रिसोर्स असेसमेंट के बारे में इनका काम करना है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन एनहेंसमेंट को लेकर के बारे में बात करना है, और मरीन बायोडायवर्सिटी के बेसिकली कंजर्वेशन को लेकर के इनको बात करनी होती है। तो बेसिकली कुल मिलाकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मरीन इकोसिस्टम के डेवलपमेंट, कंजर्वेशन और उन्हीं के प्रोडक्शन के बारे में बेसिकली बात करनी होती है इस इंस्टीट्यूट को। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एनीथिंग रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजी ऑफ दीज फिशरी इस संस्था के अंतर्गत में ऑब्जेक्टिव के रूप में चली आ रही होती है। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि टेलीग्राम चैनल में दी गई थी, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सीधे सीधे सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप दोनों ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप आंसर दोनों बता सकते हैं कि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर इसकी हो जाएगी सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन आज की डेट में काफी ज्यादा ये न्यूज में इस समय बना हुआ है, दैट इज द G7। G7 में फिलहाल अभी मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग को यूएस कंडक्ट करने वाला था, जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट ने पोस्टपोन कर दिया है मीटिंग और कहा है कि इंडिया शुड ऑल्सो ज्वाइन दिस ग्रुप। ये ग्रुप काफी पुराना हो गया है और इस ग्रुप में अब नए मेंबर को इंक्लूड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर कह लीजिए कि जो हमारे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनके कहने पर ये जैसे ही कहा इन्होंने, एक जियोपॉलिटिकल कंडीशन में काफी उछाल देखने को मिला है, काफी चीजें जियोपॉलिटिकल कंडीशन में इम्बैलेंस सी हो गई हैं। इन्होंने फिलहाल कहा है कि G7 में फिलहाल इसको G10 या फिर G11 बनाना हमें काफी जरूरी हो गया है। कौन कौन से हमें कंट्रीज जोड़ने होंगे इसमें? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को जोड़ने की बात बेसिकली कही जा रही है। G7 के बारे में अगर बात करें, इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में, तो देखिए G7 का बैकग्राउंड जो होता है वो इंटरनेशनल, एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर बेसिकली सेवन लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वो बेसिकली इसका हिस्सा होती है। कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस बेसिकली इसकी G7 की पार्ट बनी हुई है। इनफैक्ट G7 वंस ये G8 हुआ करता था, लेकिन इसमें से रशिया फिर निकल गया और रशिया निकल जाने के बाद अल्टीमेटली ये G7 में तब्दील हो गई है। तो ये हो गई हमारी जो सिस्टम है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इनवाइटी होता है G7 का। यहां पर हमारे जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि इन कंट्रीज को ज्वाइन करना चाहिए, इन कंट्रीज को ज्वाइन करके हम इस संस्था को बड़ा कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली टू काउंटर चाइना, चाइना को काउंटर करने के लिए काम किया गया है। इंडिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए, लास्ट ईयर जब 2019 में फ्रांस के बियारिट्स में जब G7 की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी इंडिया को स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया गया था और हमारे
इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जाकर के उस बायलेटरल मीटिंग में या कह लीजिए G7 की मीटिंग में हिस्सा भी लिया था एज अ इनवाइटी। अगर इस G7 के बारे में बात करें तो देखिए 2018 तक में अगर बात करते हैं तो ग्लोबल नेटवर्थ का 58% ये 7 कंट्रीज या फिर कह लीजिए G7 कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, और टोटल GDP के बारे में अगर बात करें तो 46% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये यहां पर वैल्यू रख रहा होता है। तो देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो भी काफी बड़ा ग्रुप हो जा रहा होता है हमारे ये जो G7 है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस तरीके के ग्रुप ज्वाइन करने को, लेकिन अगेन यहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन इंडिया को लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर इस तरीके के ग्रुपिंग में इंडिया अगर चला जाता है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है जो भी हमारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, साथ में नेबरिंग कंट्रीज के साथ में जो भी रिलेशन है उसको भी हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, इस पे बेस जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन बेसिकली सारा कुछ सही है, बस यहां पर चाइना लिख दिया गया है, चाइना नहीं यहां पर होना चाहिए कनाडा, G7 की कंट्री है, आपको सारे के सारे कंट्री का नाम याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। बाकी देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये वाली भी करेक्ट स्टेटमेंट, और लास्ट में यहां पर भी आप बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ब्राजील नहीं, यहां पर बोला गया साउथ कोरिया को, इस वजह से ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओनली 2 और 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट, यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इसको 2 बना देते हैं और इस तरीके से सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। आगे अगर बढ़े तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी आर्टिकल आती है वो इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन से रिलेटेड है। द हिंदू की एक छोटी सी आर्टिकल पब्लिश हुई थी जो लॉकडाउन, इनफाइनाइट लॉकडाउन इज हार्मफुल, इससे रिलेटेड है। हालांकि इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, बट यहां पर लास्ट में कुछ बॉडीज का नाम लिखा गया है, उस बॉडी के बारे में आपका जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन में आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली 3 बॉडीज के बारे में बात किया गया है। एक है जो इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के बारे में, आप देख सकते हैं यहां पर इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के बारे में है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के बारे में है, और साथ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में है। वन बाय वन करके इंस्टीट्यूट्स के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ है। तो देखिए सबसे पहले इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये जो एसोसिएशन है ये प्राइमरली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हेल्थ रिलेटेड चीजों में ये काम कर रही होती है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए 1956 में एस्टैब्लिश कर दी गई थी और उसके बाद से ही ये लगातार काम कर रही है। ये जो बॉडी है वो भूर कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड करके एज अ एनजीओ या फिर कह लीजिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें तो देखिए पब्लिक हेल्थ और इसका मैनेजमेंट ही बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव। एक बार ऑब्जेक्टिव को अगर पढ़ा जाए तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन इज प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एलाइड साइंस इन इंडिया, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन एंड फेलोशिप अमंग द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। तो बेसिकली देख सकते हैं आप यहां पर कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पब्लिक हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में ही बेसिकली इनका खोज करना, इसके बारे में मॉनिटरिंग करनी होती है। तो ये होती है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के बारे में। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इस बॉडी के बारे में अगर बात करें तो देखिए 1974 में फाउंड की गई थी। अगेन ये बॉडी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में और हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ प्रमोशन और फैमिली मेडिसिन, इनके बारे में ये स्पेशलिस्ट होते हैं, इनके बारे में चीजों को जानकारी इकट्ठी कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय ब्रिंगिंग इट्स मेंबर एक्सपर्टीज टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड एडवोकेट फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड प्रोवाइडिंग अ फोरम फॉर रेगुलर एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली अगेन यहां पर भी काम तो ये करता है पब्लिक हेल्थ के लिए ही, बट इसका जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है या कह लीजिए स्पेसिफिक जो एरिया है जहां पर इसको काम करना होता है वो होती है इसकी कम्युनिटी मेडिसिन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि द बॉडी इज बेसिकली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। आगे अगर बात करें नेक्स्ट बॉडी हमारी आ जाती है, दैट इज इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो ये 1993 में
एस्टैब्लिश की गई थी। अगेन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अगेन किसमें काम कर रही होती है, एपिडेमियोलॉजी सर्विसेज के स्ट्रेंथनिंग और प्रमोशन में ये काम कर रही होती है। दिस एसोसिएशन विल कंटिन्यू टू प्ले मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो बेसिकली ये एपिडेमियोलॉजिस्ट और इस तरीके की चीजों में काम कर रही होती है। तो तीनों बॉडी के बारे में हम लोगों ने बात किया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखेंगे आप तो तीनों स्टेटमेंट जो बेसिकली लिखे गए हैं इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा पहले इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। फिर बात किया गया ऑब्जेक्टिव के बारे में, विच इज अगेन करेक्ट। और लास्ट में देखिए आईफेकॉन के बारे में बात किया गया है, जो कि फिलहाल अभी एम्स में फरवरी मार्च के महीने में मनाया गया था, इसको सेलिब्रेट किया गया था 2020 में। और इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है, ऑल स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यहाँ पर आंसर इसकी हो जाएगी डी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम देखा। आगे अगर बात करें, नेक्स्ट जो हमारी करंट अफेयर्स आती है वो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, और यहां पर बताया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमन में कोरोना वायरस कोविड फैला हुआ है, सेम उसी तरीके से बनाना के भी प्लांट में हमें इस तरीके की चीजें, इस तरीके का फंगल इंफेक्शन देखने को मिल रहा है, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो बनाना कोविड जो नाम दिया गया है वो एक फंगल इंफेक्शन के कारण से है। डिटेल के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो देखिए, साइंटिस्ट आर डिस्क्राइबिंग इट एज अ इक्विवेलेंट ऑफ कोविड 19 इन बनाना। बनाना के बारे में अगर बात करें तो देखिए, यहां उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो ऐसे स्टेट है जो बनाना प्रोडक्शन में काफी ज्यादा एक कह लीजिए कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, और इन्हीं दोनों स्टेट में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इनफैक्ट तो उत्तर प्रदेश में भी बात करें तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, और बिहार में अगर बात करें तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरीके के डिसीज को मॉनिटर देखा गया है, पाया गया है। तो एज ऑफ द कोरोना वायरस डिसीज आउटब्रेक गोज ऑन, यहां पर एक फ्यूसेरियम विल TR4, ये एक तरीके का नोवेल फंगस स्ट्रेन ये पाया गया है, निकाला गया है, दैट हैज डिवास्टेटेड प्लांटेशन अक्रॉस द ग्लोब दिस ईयर, इज सेटिंग ऑफ न्यू हॉटस्पॉट एंड थ्रेटनिंग आउटपुट इन द कंट्री, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना। तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि बेसिकली ये क्या चीज है। क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं वो फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन, इसको लेकर के पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। तो आप सीधे से याद रखिएगा कि ये फंगल स्ट्रेन है जो कि अगेन इस तरीके की चीजें पाई गई हैं। जो TR4 है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेस 4, ये एक तरीके का स्ट्रेन है जो पहले आइडेंटिफाई किया गया था ताइवान में, एंड हैज जंप्ड फ्रॉम एशिया टू द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इस समय फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड कंट्री इस समय है वो है इक्वाडोर। क्यों इक्वाडोर? क्योंकि ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ बनाना कर रहा होता है पूरे वर्ल्ड में, और इनफैक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है, दिस इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ये जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन जा रहा होता है। वन इसके बाद जो होता है, मतलब कई लोगों ने अपने अपने राय दिया है, उन्होंने बोला है कि वन कुड से दैट कोरोना वायरस ऑफ द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जा सकता है, जो कि हॉटस्पॉट रीजन ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश में पाया गया है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है। इसके अलावा FAO ऑफ जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UN की एक बॉडी है, उसने भी कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है अगर इसको हम ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। तो हालांकि देखिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी मौजूद नहीं है, तो इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए कहा गया है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग ह्यूमंस कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, सेम वैसे ही बनाना के भी प्लांट को सोशल डिस्टेंसिंग कराना होगा। अगर इस तरीके की किसी में स्ट्रेन, किसी तरीके के अगर बनाना में प्रॉब्लम पाई जा रही होती है, डिसीज पाया जा रहा था, तो उस प्लांट को वहां से बेसिकली हटाना होगा, अदरवाइज ये फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है और पूरे बनाना के जो प्लांट है उनको खराब कर सकता है। बाकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया। इसमें बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो ये TR4 विल्ट है ये क्या चीज है, तो आप बता देंगे इज अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, नहीं ये नहीं है, बल्कि नोवेल फंगल स्ट्रेन है जो कि बनाना में पाया गया है। बाकी ये सब चीजें तो ऐसे ही फालतू की पूछी गई है। नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है वो PIB से एक करंट अफेयर्स है। यहां पर बोला गया मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ 2 भी सेटअप एज INS कलिंगा। यहां पर क्या किया गया है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया एक मिसाइल पार्क है, जहां पर मिसाइल्स को बेसिकली पार्क किया जाएगा, दिखाया जाएगा, एक देश भावना वाली जो पेट्रियोटिज्म होता है वो
इनके जो भी यहाँ के स्टाफ है, जो भी यहाँ के ऑफिसर है, जो भी वर्कर है, उनमें, उनके बच्चों में और उनमें उनके फैमिली में एक पैट्रियोटिज्म की भावना लाने की बात कही जा रही है। तो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ वंस कंप्लीटेड विल बी डेडिकेटेड टू ऑल द ऑफिसर सेलर सपोर्ट स्टाफ ऑफ कलिंगा आईएनएस कलिंगा। तो जितने भी लोग आईएनएस कलिंगा के, आईएनएस मतलब जो आपकी इंडियन नेवल सिस्टम होती है उसको लेकर के बात की गई है, जो कि यहाँ पर सर्व किए हैं, जो भी काम किया गया है, जो कि 1981 से ही है, इसमें जितने भी लोग सपोर्टेड रोल में थे, चाहे ऑफिसर हो, चाहे सेलर हो, चाहे सपोर्टेड स्टाफ हो, सबको ये डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर एक्चुअल में है क्या चीज, ये आप देख लीजिए कि इट एम्स टू कैप्चर ग्लिम्स ऑफ मिसाइल हिस्ट्री ऑफ आईएनएस कलिंगा सिंस 1981 टिल डेट। द मिसाइल हैज बीन सेट अप, द मिसाइल पार्क हैज बीन सेट अप विद अ रेप्लिका ऑफ मिसाइल एंड ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट। तो जितने भी यहां पर मिसाइल्स वगैरह जो आईएनएस कलिंगा में लगाए गए थे उसके रेप्लिका, उसके एक तरीके के कह लीजिए कि प्रोटोटाइप लगाया गया है ताकि इसको प्रदर्शित किया जा सके, दिखाया जा सके बाकी लोगों को भी। इसमें जो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट है वो P-70 एमेटिस्ट बना हुआ है। ये क्या चीज है, ये देखिए एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि रशिया से हम लोगों ने इसको प्रोक्योर किया था, रशिया से हम लोगों ने इसको लिया था। इट इज एन आर्सेनल ऑफ ओल्ड चक्रा जो कि चार्ली वन सबमरीन है, जो कि इंडियन नेवल के द्वारा 1991 में इसको इंडक्ट किया गया था। ये बेसिकली जो एक जो ये सबमरीन है या फिर कह लीजिए एंटीशिप मिसाइल जो है, बेसिकली ये हम लोगों ने इसको रशिया से प्रोक्योर किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी अग्निप्रस्थ विल ऑल्सो प्रोवाइड ए वन स्टॉप एरिना ऑफ मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ इनक्विजिट माइंड रिगार्डिंग द मिसाइल एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से जो भी स्कूल के बच्चे हैं, नेवल पर्सनल के और उनके फैमिली वाले जो है, उनके अंदर एक फीलिंग, उनके अंदर एक भावना ले आने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी मिसाइल पार अग्निप्रस्था के बारे में। क्वेश्चन देखें अगर इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है, तो देखिए दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था कि P-70 एमेथिस्ट ये क्या चीज है, तो आपको बता देना था कि दिस इज जस्ट क्या अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल हो जा रही होती है। दूसरी जो क्वेश्चन थी वो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था के बारे में पूछा गया था। यहां पर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन इंफॉर्मेटिव है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे तो ये भी करेक्ट है, टू ऑल द ऑफिसर सेलर एंड सपोर्ट स्टाफ बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे तो ये भी देखिए इनकल्केशन ऑफ पेट्रियोटिज्म है, मोटिवेशन है, स्टिमुलेशन है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, सारा ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएगी। हम लोग अपने लास्ट करंट अफेयर्स की ओर आ जाए तो यहां पर देखिए मेती के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है, जहां पर हमारे मिनिस्टर साहब के द्वारा नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, इंडियाज इनिशिएटिव टू प्रमोट एआई अमंग स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक और रिस्पॉन्सिबल एआई एक तरीके का स्कीम लॉन्च किया गया है। डिटेल के बारे में अगर देखें तो देखिए पहले हम लोग नेशनल एआई पोर्टल के बारे में अगर बात करें तो इसको इंडिपेंडेंटली नहीं डेवलप किया गया है, बल्कि इसको कई लोगों के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया है। इसमें से मेती हो गई जो कि एनईजीपी के अंतर्गत वर्क कर रहा होता है, इसके अलावा नेस्कॉम और बाकी आईटी इंडस्ट्रीज भी जो होती है मिलकर के इसको डेवलप की हुई है। यहां पे होगा क्या, यहां पर इस पोर्टल में बेसिकली ये कहा गया है कि जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं या जो कुछ भी रिलेटेड एआई से, सब कुछ इस पोर्टल पर रख दिया जाएगा, जिससे कि इट हैज अ सेक्शन अबाउट लर्निंग न्यू जॉब रूल, मतलब जितनी भी चीजें एआई से रिलेटेड हो सकती है एवरीथिंग विल बी पुट हियर, सबको यहां पर रख दिया जाएगा और जिस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पोर्टल के बारे में बात की गई है। इसके अलावा इसने एक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ एक और स्कीम लॉन्च की हुई है। इसका प्रोग्राम, इसका खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर में, उनके जहन में कह लीजिए, उनके अंदर एक भावना, एक मोटिवेशन इनकलकेट किया जाए टूवर्ड्स एआई। तो एआई के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसको, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें रिसर्च करें, उनके अंदर में एक क्यूरियोसिटी ले आने के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू गिव द यंग स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री अ प्लेटफॉर्म एंड एम्पावर देम विद एप्रोप्रिएट न्यू एज टेक माइंडसेट रेलेवेंट एआई स्किल्स। ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा क्या चीज है। बाकी यहां पर अगर बात करें किस तरीके से बनाया गया है, तो यहां पर मेती तो है ही, साथ में एमएचआरडी और इसके साथ साथ में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी भी साथ में मिलकर के काम
कर रहा है। बात करें अगर कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर बेनिफिट किए जाएंगे, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से क्लास 12 के केवल हैं, केवल उन्हीं को ये चांस दिया जाएगा। और हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर केवी, एनवी, जेएनवी, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं 8 से 12 तक के, उन सारे बच्चों को ये अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, ये सारी चीजें बुलाई जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन, पूरे करंट अफेयर्स को देखा। फटाफट इस पे क्वेश्चन देखें, तो एक क्वेश्चन थी नेशनल एआई पोर्टल पे, जहां पर मेथी के बारे में बात किया गया कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। नहीं, यहां पर नैसकॉम और प्राइवेट जो आईटी इंडस्ट्री वाले हैं उनके साथ में मिल करके कर रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बाकी स्टेटमेंट देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यहां पर। अगला स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन के बारे में, तो रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ प्रोग्राम के बारे में है। यहां पर देखिए लॉन्च किया गया है मेथी के द्वारा, गिव द यंग स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री ए प्लेटफॉर्म और एम्पावर देम विद एप्रोप्रिएट न्यू एज। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां देखिए ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स, नहीं ऑल द स्टूडेंट नहीं है, क्लास 8 से क्लास 12 तक के ही बच्चों के लिए केवल है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगी, इसका ऑप्शन केवल और केवल 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा सिस्टम। आगे देखिए एक और छोटी सी करंट अफेयर्स है कि यूपी में हर्बल हाईवेज बनाए जा रहे हैं। हर्बल हाईवे का मतलब यही होता है कि अगर एक हाईवे अगर आप देखें तो हाईवे आप लोग जानते ही हैं, उसके साइड साइड में देखे होंगे पेड़ लगे होते हैं, तो उस पेड़ को ही अब हर्बल प्लांट्स बेसिकली वहां पर लगाए जाएंगे, जैसे नीम हो गया या जनोफा हो गया या फिर सप्तपर्णी हो गई, तो जितने भी इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं उनको साइड साइड में लगा दिया जाएगा, जिससे कि जो हवा है, जो एयर है या फिर कह लीजिए जो भी आसपास के एनवायरनमेंट है उसको हम डिसइंफेक्ट कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा साफ रख सके। इसके अलावा कहा गया है कि द ब्राह्मी ट्री ग्रिप्स शार्पनेस इन मेमोरी, अश्वगंधा इज यूज्ड इन जनरल वेलनेस, इट इज टू बी नोटेड दैट अश्वगंधा हैज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्टडी टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, इट इज ऑल्सो बींग लुक्ड एज अल्टरनेटिव टू हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा है, बस इसको क्या है कि एक अगर हर्बल प्लांट के रूप में लगा देंगे सड़क के चारों ओर या फिर हाईवे के चारों, तो काफी अच्छा हमें एक फ्यूचर, काफी अच्छा एक हेल्थ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी पूरी क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। हर्बल रोड को बताया गया है कि दोनों साइड में लगाया जाएगा, करेक्ट है। यूपी फर्स्ट स्टेट बन गया, बिल्कुल करेक्ट है। और इनफैक्ट दिल्ली यमुनोत्री जो हाईवे है, यमुना एक्सप्रेस वे, वहीं पर लगाया गया और ये यूपी स्टेट के अंतर्गत आता है, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। दूसरा जो क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है किसके अंदर में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो देखिए माशपर्णी अभी हम लोगों ने देखा, सप्तपर्णी अभी हम लोगों ने देखा, जनोफा देखा, जत्रोपा नहीं होता है। जत्रोपा बेसिकली एक बायोडीजल प्लांट होती है जिससे कि हम लोग बायोडीजल बना रहे होते हैं, तो यहां पर ऑप्शन डी आप इनकरेक्ट बोल देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी करंट अफेयर्स देखी, इस तरीके के करंट अफेयर्स लगातार आते रहेंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का करंट अफेयर्स, जहां पर हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस कर रहे होते हैं। सारे क्वेश्चन आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, इस दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप इसको यहां पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं जो भी मटेरियल है, और यहां पर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।